गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास, दिस इज योर जीके बुक. और अभी हम लोगों ने जीके में चैप्टर नंबर फोर्थ कंप्लीट किया है. अब हम लोग चैप्टर नंबर फाइव करेंगे. ठीक है, तो आपके फिफ्थ चैप्टर का नाम है फ्लावर्स आर येलो. क्या है आपके फिफ्थ चैप्टर का नाम? फ्लावर्स आर येलो. तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप लोग यहाँ पे आज की डेट डाल दीजिए. आज डेट है 21/6/21. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना फिफ्थ चैप्टर फ्लावर्स आर येलो. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, पहले हम उसे रीड कर लेते हैं और हम देख लेते हैं हमें क्या समझाने के लिए क्या समझाना चाहता है. ठीक है, येलो येलो फ्लावर ब्रस्ट विथ हैप्पीनेस एंड आर वेल नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड एज अ सिंबल ऑफ फ्रेंडशिप. यहाँ पे ये बताया गया है जो येलो फ्लावर्स, आपको पता है जो फ्लावर्स होते हैं अलग अलग, जो फ्लावर्स होते हैं उनकी मीनिंग क्या होती है? अलग अलग होती है. जैसे कि आप फॉर एग्जाम्पल रोज, गुलाब. जो गुलाब है वो किसका सिंबल है? लव का सिंबल है. ठीक है, उसी तरीके से हम रोज की बात नहीं करेंगे और यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे? येलो फ्लावर्स. तो येलो फ्लावर्स का मीनिंग क्या है? फ्रेंडशिप. क्या है? फ्रेंडशिप और हैप्पीनेस. तो ये जो आपके येलो फ्लावर्स होते हैं वो किसके सिंबल्स हैं? हैप्पीनेस के. और ये क्या फैलाना चाहते हैं? हैप्पीनेस मतलब कि जैसे कि आपको, आप किसी के बर्थडे पे गए या किसी का प्रमोशन हुआ, उसके लिए आप फ्लावर लेके जाएंगे. जैसे कि आप मान लीजिए उनके लिए येलो फ्लावर लेके जाएंगे, तो इसका मतलब ये है कि हम आपके जो आपने ग्रोथ किया है मुझसे हैप्पी है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मुझे अपना प्यार मतलब अपना लव किसी के सामने एक्सप्रेस करना है, तो मैं उसे कौन सा फ्लावर दूंगी? रोज दूंगी. क्योंकि जो रोज होता है वो किसका सिंबल है? वो है हमारे लव का सिंबल. तो यहाँ पे येलो किसका सिंबल है? फ्रेंडशिप और हैप्पीनेस. तो हम अगर ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे हमारे, जैसे कि हम अपने किसी न्यू फ्रेंड से मिलने जाए या किसी के अच्छे काम में, लाइक किसी का बर्थडे हो उसमें जाए, तो हम कौन से फ्लावर ले जा सकते हैं? येलो फ्लावर. तो इस चैप्टर में हम लोग किसकी बात करेंगे? येलो फ्लावर की. तो येलो फ्लावर किसका सिंबल है? हैप्पीनेस और फ्रेंडशिप का सिंबल है पूरे वर्ल्ड में. ऐसा नहीं है इंडिया में या कहीं और, पूरे वर्ल्ड में येलो फ्लावर किसका सिंबल माना जाता है? हैप्पीनेस. जो येलो फ्लावर है वो हैप्पीनेस फैलाते हैं और एक फ्रेंडशिप का भी सिंबल हमें दिखाते हैं. ठीक है, हे अब क्वेश्चन रीड करते हैं. हेयर आर अ फ्यू जॉयफुल येलो फ्लावर्स. यहाँ पे कुछ जॉयफुल येलो फ्लावर्स हैं. लुक एट द पिक्चर्स एंड नेम दीज फ्लावर. आप इन पिक्चर्स को देखिए और ये कौन से फ्लावर्स हैं, आपको इनके नाम लिखने हैं. ठीक है, तो जैसे कि आपने देखा ये फर्स्ट वाला पिक्चर, तो ये फर्स्ट पिक्चर है, इसके कौन सा फ्लावर है? ये है आपका एरिस. क्या है? एरिस. नेक्स्ट है आपका मैरीगोल्ड. ये जो फ्लावर है ये किसका पिक्चर है? कौन से फ्लावर का पिक्चर है? मैरीगोल्ड. ठीक है, थर्ड है आपका ट्यूलिप. क्या है? ट्यूलिप. क्या है? ट्यूलिप. फोर्थ है आपका डेफोडिल. क्या है? जो येलो फ्लावर है इसको आप किस नाम से जानते हैं? डेफोडिल. अब है नेक्स्ट आपका फिफ्थ है आपका प्रेम रोज. क्या है? प्रेम रोज. सिक्स सनफ्लावर. ये भी क्या है? आपके येलो फ्लावर्स है. मतलब अगर आपको अपने फ्रेंडशिप या किसी को हैप्पीनेस शो करना है तो आप यहाँ पे जितने फ्लावर्स हैं उनको ले जा सकते हैं. ठीक है, उनको प्रेजेंट कर सकते हैं. सेवेंथ है आपका क्रोकर्स. क्या है? क्रोकर्स. एंड एट्थ लास्ट आपका क्या है? डहेलिया. क्या है? डहेलिया. ठीक, तो यहाँ पे मैंने आपको जितने भी फ्लावर्स के नाम बताए हैं वो किसके सिंबल हैं? वो हैप्पीनेस के सिंबल है और फ्रेंडशिप के सिंबल हैं. अगर आपको अपना फ्रेंडशिप किसी से करने जा रहे हो या किसी के अच्छे काम में जा रहे हो तो आपको उन फ्लावर्स को आप उनके यहाँ पे ले जा सकते हो, प्रेजेंट कर सकते हो. ठीक है, आप देखते हो ना कि बहुत से ओकेजन में जब लोग जाते हैं तो प्रेजेंट में उनके लिए फ्लावर्स का बुके ले जाते हैं. तो ठीक उसी तरीके से, तो जब हमें अपना हैप्पीनेस और फ्रेंडशिप शो करना हो तो हम ये यहाँ पे मैंने जितने फ्लावर्स के नाम लिए हैं आप उनको क्या कर सकते हैं? ले जा सकते हैं. ठीक है, और ये जो है प्लांट फैक्ट्स, ये क्या करना है आपको? रीड करना है. ये आपका क्या है? होमवर्क है. और कल हम चैप्टर नंबर
7 स्टार्ट करेंगे, आपके न्यू चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा द एनिमल वर्ल्ड, ठीक है, जिसमें हम एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग अच्छी तरीके से चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 कीजिए और चैप्टर नंबर 6 को रीड कीजिए, ठीक है। ओके, गुड बाय।